आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री कमोडिटी के आउटलुक की बात करें तो सबसे पहले समझना, पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने काफी अच्छा मोमेंटम पूरे एग्री पैक में बनते हुए देखा, जहां हमने मसालों के अंदर जीरा और धनिया में करीबन 4.5% की तेजी बनते हुए देखी, हल्दी में 1.5% से 2% की तेजी बनते हुए देखी, गवार सीड गवार गम में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। सबसे पहले अगर हम मसालों की बात करें तो मसालों में जैसे हमने पहले भी कहा था कि सोइंग का डेटा काफी कमजोर आ सकता है, जिस ढंग से फार्मर्स अदर क्रॉप लाइक मस्टर्ड में शिफ्ट हुए हैं, चने में शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से एकरेज में ड्रॉप है, वो एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से हमने पिछले 1-1.5 महीने से ही जीरा और धनिया दोनों में तेजी देखी है। साथ में हमने ये भी देखा कि एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, और अब जो मौसम खराब हुआ है गुजरात, राजस्थान, MP, यहाँ पे डैमेजेस भी रिपोर्ट होते हुए दिखाई दी हेलस्टॉर्म की वजह से। तो आने वाले दिनों में हल्दी, जीरा और कोरिएंडर तीनों में जबरदस्त तेजी रहेगी। हल्दी में तो हमने ऑलरेडी नवंबर दिसंबर में डैमेजेस होते हुए देखे वेदर कंडीशन को देखते हुए, बट कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के तौर पे एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से हल्दी को भी सपोर्ट मिल रहा है। इमीडिएट तौर पे अगर जनवरी की बात करें तो हमें लगता है 11,000 तक का लेवल हल्दी में, जीरा 18,200-18,300 तक का लेवल, वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया भी अगर फरवरी वायदी की बात करें तो 11,000 तक का लेवल दिखा दे, बट ओवरऑल अगर कोई 1.5 से 2 महीने की अवधि की बात करके चलते हैं तो हल्दी के अंदर हमें लगता है 13,000 तक का लेवल, धनिया में हमें लगता है 12,500-13,000 तक का लेवल, और जीरे के अंदर आराम से 21,000 का लेवल तोड़ सकता है। तो ओवरऑल मसालों के अंदर बनी रही है। वही गवार सीड गवार गम में भी हमने तेजी तो अच्छी देखी है, बट हाई लेवल पर सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आप समझिए गवार में क्रूड का कोरिलेशन एज ऑफ नाउ वर्क नहीं कर रहा है, क्रूड की तेजी से गवार का नहीं लेना देना, बिकॉज US का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है गवार गम का एक्सपोर्ट पे कोई बड़ा उछाल नहीं आएगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि गवार सीड गवार गम एक रेंज में रहेगा, कोई बड़ी पोजिशन नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। वही कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो हमने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जबरदस्त तेजी देखी है। एज ऑफ नाउ ग्लोबल मार्केट को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में भी जो प्रोडक्शन कटल है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, बट प्राइजेस अगर 34,800 के करीब मिले लेके चलिए, 36,500 का ओवरऑल टारगेट अगले 2-5 दिन के अंदर मिलना चाहिए। वही कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी अगर 3200 के करीब मिले तो पुल बैक पे लेके चलिए, 3420 का लेवल तोड़ने पे 3650 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। और लास्ट में अगर हम बात करें कैस्टर की, तो कैस्टर में देखिए नया माल आने की फिराक में, जिसके चलते हो सकता है प्राइजेस 5850 तक का लेवल एक बार दिखा दे, बट जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में गुजरात में टेम्परेचर काफी खराब हुआ है और डैमेजेस भी रिपोर्ट हुई है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिला है, तो मे बी पॉसिबल अगले 2 सेशन में एक बार 62-50-60 का लेवल दिखा दे, बट मौसम अगर अनुकूल होता है तो एक बार 400-500 पॉइंट की गिरावट मिले, वहां पे एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बनती है, बट टाइमिंग 6250 के टारगेट के लिए फरवरी वायदा लिया जा सकता है, जो 6250 से 6300 का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो थोड़ा बहुत संभल के ट्रेड कीजिए, बाय और ड्रॉप की रणनीति अपनाएं, बट मसाले में काफी अच्छी तेजी है, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के दोनों में भी अच्छी तेजी बनी हुई रहे। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।